नमस्कार, इन्फ्यूज्ड टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है महेश विश्वकर्मा। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन, जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दिए हैं बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ, जिसमें अक्षय कुमार के बारे में बात की जाए तो अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की कई सारी फिल्में आई हैं और अक्षय कुमार के साथ जितनी भी सारी फिल्में आई हैं, सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं, जिसमें हेरा फेरी है, भूल भुलैया है और खट्टा मीठा, दे दना दन, देसी बॉयज जॉन अब्राहम के साथ गरम मसाला है और साथ ही साथ भागम भाग जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल हैं। सो वैसे में दोस्तों, बात की जाए उनकी आने वाली फिल्म के बारे में, तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि हाल फिलहाल में इस बात का खुलासा किया गया कि प्रियदर्शन की आने वाली जो आगामी फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन की वजह से इंडियन सिनेमा के जितने भी स्टार हैं, सब लोग अपने घर पर ही हैं। तो वैसे में दोस्तों, प्रियदर्शन जी ने इस बात का खुलासा किया कि वो इस लॉकडाउन में एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, यानी कि स्क्रिप्ट में जो स्टार नजर आएंगे वो अक्षय कुमार का नाम सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ प्रियदर्शन जी ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनकी जो स्क्रिप्ट है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। तो वैसे में दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है अक्षय कुमार के फैंस के लिए और अक्षय कुमार के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि प्रियदर्शन की आने वाली जो आगामी फिल्म होगी, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। सो वैसे में दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है इसके बारे में, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी सी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें अगर कुछ भी कहना चाहते हैं अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म के बारे में, प्रियदर्शन की स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।